हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो, नया नया यूट्यूब चैनल वापस फिर से स्टार्ट किया है। उसके बाद ये मेरा दूसरी तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्लास 12th की पॉलिटी साइंस के बारे में। पॉलिटी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस साल से पहली बार मैप जुड़ा है 4 नंबर का। ऐसे में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, साथ साथ में दोनों सब्जेक्ट को भी कवर करता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम उन 4 नंबरों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपकी किताब में दे रखी है, लेकिन आपकी किताब में कोई मैप नहीं है, उसमें नहीं दे रखा है, तो उन सब के बारे में हम आज दिन करेंगे। सबसे पहले उनकी बातें करेंगे जो अपनी किताब में दे रखी है, मोस्ट है वो सबसे पहले वही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्त जो किसी भी स्कूल में पढ़े हो, जो कहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हो, उस तक ये वीडियो पहुँचा देना। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए सारे राज्य कहाँ पर है। मैंने एक पिछला वीडियो बना रखा है, उसमें ये बता रखा है 10 राज्य हमारे साउथ में है, करक रेखा के नीचे। इसके अलावा 10 राज्य नॉर्थ में, फिर 8 राज्य उस तरफ की हमने बात की थी, 28 राज्य। जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, उनकी लोकेशन कौन कौन सी है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, यहाँ पर अपना गुजरात है, फिर यहाँ महाराष्ट्र है, उसके बाद में गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पर केरल है, 5 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद में यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और ये तेलंगाना हो जाएगा यहाँ नीचे के हिस्से में, ठीक है। ये तेलंगाना 10 राज्य हो गए। फिर प्यारा सा राजस्थान अपना, उसके बाद पंजाब, वैसे सभी प्यारे हैं, हरियाणा, यूपी और एमपी, ये हो गए 15 राज्य। फिर यहाँ पर अपना एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और ये देख रहा है यूके उत्तराखंड वाला इलाका, ये हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, यूपी ये हो गया। यहाँ पर है बिहार अपना, फिर बिहार से अलग झारखंड, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में ये सिक्किम वाला इलाका है, फिर ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय है, इस यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर है मणिपुर है, ध्यान रखना मणिपुर, और ये वाला इलाका है ये मिजोरम है, क्या मिजोरम है। इसके अलावा ये त्रिपुरा है। तो ये सारे के सारे राज्य हैं अपने, तो इन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे राज्य हो गए। अब इन राज्यों के बाद में हम प्रत्येक राज्य की बाद में इसकी लोकेशन देखते हैं, कौन से राज्य में कौन सी जगह है, ध्यान रखना, इनको आपको याद रखना है। मैं बता देता हूँ आपको जल्दी, तो 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 10 से 15 मिनट लास्ट है, तो जितना हो सके आप एक बार देख के चले जाना। मेरे हिसाब से सारे के सारे सही हो जाएंगे, आज तक तो होते आए हैं। पॉलिटी के अंतर्गत तो पहली बार ही है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आते रहते हैं ये। तो देखो, हम चर्चा करते हैं अभी इनकी। तो सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनकी चर्चा करते हैं, जो हमारी इस किताब में दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले मैं उसको अलग पेन से लिख देता हूँ, मार्कर से। यहाँ पर एक ध्यान रखना जगह है जिसका नाम है बनारस, ध्यान रखना बनारस, इसे हम वाराणसी भी कहते हैं, इसे हम काशी भी कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ फिर एक लोकेशन है जिसका नाम है बम्बई, इसे मुंबई कहते हैं वर्तमान समय में। पहले मुंबई एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसके अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, 1960 में ये अलग हो गया था, ध्यान रखना। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जूनागढ़, ये वाली लोकेशन है ना, यहाँ पर। यहाँ एक जगह है बड़ौदा, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ एक क्षेत्र है यूपी के अंतर्गत, रामपुर। अब देखो, 4 हमारे भारत के चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, उनको भी आपको याद रखना। यहाँ है दिल्ली, ध्यान रखना, यहाँ पर दिल्ली है, राजस्थान के अंतर्गत उनका क्षेत्र था अजमेर। यहाँ था साउथ की निगरानी के लिए कुर्ग, कर्नाटक के अंतर्गत है। एक था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ये 4 उनके चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, याद रखना ना, ए बी सी और सी और डी, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली हो गए। ये 4 महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखने आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर उदयपुर, रियासती काल में ये मेवाड़ था, ध्यान रखना, क्या था, मेवाड़। हमारा जयपुर तो आपको पहले से ही पता है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ याद रखना गिलगित, यहाँ याद रखना कुचबिहार, ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। यहाँ एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद, ध्यान रखना कौन सी है, हैदराबाद रियासत थी। कुर्ग हो गए, ध्यान रखना, ये याद रखना, हैदराबाद हो गई। इसके अलावा एमपी के अंतर्गत है ग्वालियर,
ये याद रखना आपको, सिंधिया खानदान यहीं का है, ग्वालियर है, याद रखना। इसके अलावा कोल्हापुर याद रखना, कर्नाटक के अंतर्गत दक्कन और कोल्हापुर का एरिया, यहाँ आप लिख सकते हो कोल्हापुर, इसके अलावा दक्कन, ये याद रखना है। इसके अलावा मैसूर, कर्नाटक को कहा जाता है, ध्यान रखना, पहले मैसूर ही राज्य हुआ करता था। कौन सा राज्य है? मैसूर है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है खेरपुर, यहाँ है बहावलपुर, ये पाकिस्तान में, दोनों ध्यान रखना, खेरपुर और बहावलपुर। यहाँ एक ध्यान है असम, खासी स्टेट, खासी वर्तमान समय में ध्यान रखना मेघालय के अंतर्गत है। ये प्रमुख है अपनी बुक के अंतर्गत जो सबसे दे रखी है, बाकी भी दे रखी है, क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, मध्य प्रांत दे रखा है, स्वीप प्रांत दे रखा है, इसको इस वाले इलाके को स्वीप प्रांत कहते हैं, ये राजपूताना हिस्सा हो गया, इसके अलावा ये बम्बई प्रांत हो गया, ये मद्रास प्रांत हो गया, सारे हैं। तो पहले तो ये आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको तो आपको याद करके जाना ही है। अब हम जो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बची हुई है तो हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया हैदराबाद, जूनागढ़ बता दिया, मैसूर बता दिया, अजमेर, ग्वालियर हो गया, बनारस हो गया, बम्बई हो गई, दिल्ली हो गई। इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्र है जैसे गोवा, पुर्तगाल का अधीन था गोवा पर, यहाँ पर है गोवा है। अपनी राजधानी जरूर याद रखना आप, जयपुर याद रखना, क्या याद रखना है? जयपुर। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ, यूपी के अंतर्गत है, कहाँ है ध्यान रखना? यूपी में मद्रास, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला हिस्सा तमिलनाडु मद्रास कहलाता है वर्तमान में, यानी मुख्य रूप से चेन्नई को कहा जाता था, ध्यान रखना, तो चेन्नई यहाँ पर ही है, ध्यान रखना, मद्रास हो गया। इसके अलावा पटना, आगरा, शिमला, देखो ये बनारस है, यहाँ पर है पटना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ध्यान रखना, यहाँ अपना है मथुरा, यूपी का अंतर्गत है, ध्यान, यूपी में दोनों, यहाँ है आगरा, दोनों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, ध्यान रखना, यूपी वाले क्षेत्र के अंतर्गत, ये दोनों याद रखना। इसके अलावा एक बहुत बड़ा शहर है, या कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा करें तो उसमें भी आ सकता है, यहाँ एक जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ इलाहाबाद, ये याद रखना आपको। इलाहाबाद याद करने के पश्चात आपको वाराणसी, पहले मथुरा मैंने बता दिया है, याद रखना गुजरात की राजधानी क्षेत्र भी याद रख लेना, जिसका नाम गांधीनगर है, क्या नाम है? गांधीनगर है। इसके अलावा यहां पर लेह है, यहां श्रीनगर है, यहां पर अमृतसर है, यानी पंजाब है, ध्यान रखना, ठीक है, अरे एक पंजाब इस तरफ भी है, यहां पर रोहतक है हरियाणा में, रोहतक के बाद में यहाँ पानीपत भी है हरियाणा के अंतर्गत, ध्यान रखना, ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा उदयपुर आपको मैंने बता दिया, मेवाड़ वाला क्षेत्र है, श्रीनगर हो गया। इसके अलावा यहाँ एक जगह है ग्वालियर के जस्ट पास ही में, झांसी, झांसी यूपी में, ध्यान रखना कहाँ पर है? यूपी में। एक जगह यहाँ कानपुर भी है, ध्यान रखना यूपी के अंतर्गत, कौन सी है, कौन सी जगह है? कानपुर, झांसी हो गया, राजकोट याद रख लेना, राजकोट कहाँ पर? गुजरात के अंतर्गत है। इसके अलावा गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर याद रख लेना, जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है, अहमदाबाद, कौन सा हो गया? अहमदाबाद। इसके अलावा हम बात करें नागपुर याद रखना, यहाँ नागपुर, यहाँ पर पुणे, ये दोनों महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं। इसके अलावा बेंगलुरु याद रखना, कर्नाटक में, क्या याद रखना? बेंगलुरु याद रखना कर्नाटक के अंतर्गत। एक हुबली, क्या याद रखना है? हुबली याद रखना है, एक हुगली है, हुगली पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। इसके अलावा कोयमटूर, कोयमटूर ध्यान रखना, कोयमटूर ये है ध्यान रखना तमिलनाडु के अंतर्गत, कहां पर है कोयमटूर? कहां है? तमिलनाडु के अंतर्गत है। इसके अलावा मदुरई याद रखना, तमिलनाडु में ही है मदुरई, ठीक है, ये हो गया।
इसके अलावा कुछ बातें और भी है, जैसे तूतीकोरन, ये याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पुंडीचेरी याद रख लेना, पुंडीचेरी यहीं पर रहते हैं, इसके अंतर्गत तमिलनाडु के अंतर्गत। वैसे पुंडीचेरी में चार, पुंडीचेरी खुद आ जाएगा, कराईकल आ जाएगा, यमन और माहे आ जाएगा इसके अंतर्गत। फिर यहाँ पर विजाग, विशाखापट्टनम ऊपर पारादीप है, इसके अलावा इसकी भुवनेश्वर राजधानी है, किसकी ध्यान रखना, उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर, पारादीप है। इसके अलावा राउरकेला ध्यान रखना, उड़ीसा के अंतर्गत ही राउरकेला है, जिसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसे तो पहले से ही पता है कि सारे लोकेशन कहाँ कहाँ है, ध्यान रखना। रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गया ध्यान रखना, गया बिहार के अंतर्गत है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। रांची, रांची ध्यान रखना झारखंड की राजधानी है, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची हो गई। इसके अलावा जमशेदपुर आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जमशेदपुर ये झारखंड में है, ध्यान रखना, बॉर्डर पर है किसकी, पश्चिम बंगाल और किसकी, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, ध्यान रखना। इसके अलावा कोलकाता याद रखना, हुगली नदी किनारे पर है कोलकाता, कौन सा शहर हो गया, कोलकाता शहर हो गया। इसके अलावा गुवाहाटी याद रखना, यहीं पर ही असम में, गुवाहाटी याद रख लेना। ये डिब्रूगढ़ याद भी रख लेना, पास ही में है डिब्रूगढ़, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन बता रहा हूँ, बाकी जो पहले बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी राजधानी क्षेत्र याद रखना दिसपुर, इसमें याद करने वाला इलाका केवल असम, असम ही है, ध्यान रखना, उसी से पूछा जा सकता है और तो है नहीं, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है कर्नूल, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना ये जगह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा त्रावणकोर है, यस त्रावणकोर केरल के अंतर्गत है, केरल के अंतर्गत एक और है कोची, पहले कोची उसके बाद त्रावणकोर है, ध्यान रखना। इसके अलावा पानीपत आपको पता ही है हरियाणा के अंतर्गत है, बता दिया मैंने पहले। अमृतसर बता दिया, देहरादून याद रख लेना उत्तराखंड में है, दून और द्वार आप पहले पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में। इसके अलावा मेरठ याद रखना, मेरठ कहाँ पर है, यूपी के अंतर्गत है, जहाँ 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। इसके अलावा कोई खास एक दो और याद रखना, जैसे सूरत याद रख लेना, यहाँ पर कौन सा याद रखना है, सूरत, इस लगा नहीं है कि कोई और भी बचे हैं, सारे पिला के देश भर के जो मेरे मित्र ने ना उसमें सहयोग किया है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।